नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दादा ने अपनी ही पोती के साथ दुष्कर्म किया है। तो किस प्रकार से और कहां पर यह घटना पेश आई है, तमाम जानकारी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कहाँ पर यह शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। तो देवभूमि हिमाचल में शर्मसार हुए रिश्ते, दादा ने 13 वर्षीय नाबालिग पोती से कर डाला दुष्कर्म गिरफ्तार। देवभूमि हिमाचल में रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। ताजा मामला शिमला के रोहडू से सामने आया है। यहां रिश्ते में लगते दादा ने अपनी ही पोती को हवस का शिकार बना डाला। मामला शिमला जिले के चिड़गांव क्षेत्र का है। यहां रिश्ते में लगते दादा ने बहाने से नाबालिग को अपने पास बुलाया और फिर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार रोहड़ू के चिड़गांव में बुजुर्ग ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया है। आरोपी नाबालिग का दादा बताया जा रहा है। हालांकि मामला 6 दिसंबर का है, लेकिन शर्म के मारे नाबालिग ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद अब पीड़ित नाबालिग ने अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी है, जिसके बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा पुलिस थाना प्रभारी चिड़गांव रंजीत सिंह ने बताया कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। तो यही थी प्रमुख खबर कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में रिश्ते एक बार फिर से तार तार हुए हैं, जिसमें दादा ने अपनी नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं जो ये दादा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यही थी तमाम खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।